गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आपके 8th क्लास में एसएसटी के लेक्चर में आज हम सबसे पहले अपना सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम जो भी चैप्टर हमारा रहता है वो हम करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए, हमारा जियोग्राफी में फोर लेसन्स आएंगे। लेसन फर्स्ट रिसोर्सेज, लेसन सेकंड लैंड सोयल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड विल्ड लाइफ रिसोर्सेज। लेसन थ्री इसमें स्किप कर दिया गया है। लेसन फोर है एग्रीकल्चर, लेसन फाइव इंडस्ट्रीज। ये फोर लेसन्स आपके फाइनल एग्जाम्स में जियो के आएंगे। उसके बाद में हिस्ट्री में आएंगे, सॉरी सिविक्स में है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेकेंड लेसन अंडरस्टैंडिंग द सेक्युलरिज्म, थर्ड व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। लेसन फोर स्किप कर दिया गया है। लेसन फाइव है जुडिशरी, लेसन सिक्स भी स्किप है इसमें। लेसन सेवन है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन, लेसन एट कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन, लेसन नाइन पब्लिक फैसिलिटीज। उसके बाद में हिस्ट्री में हमारा लेसन फर्स्ट स्किप है। लेसन सेकंड है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टेब्लिशेस पावर, लेसन थ्री रूलिंग द कंट्री साइड, लेसन फोर स्किप है इसमें। लेसन फाइव है व्हेन पीपल रेबल 1857 एंड आफ्टर, लेसन सिक्स स्किप है। लेसन सेवन है सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन, लेसन एट वोमेन कास्ट एंड रिफॉर्म, लेसन नाइन द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870s बिटवीन 1947। लेसन टेन है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। हमारा हिस्ट्री और जियो का सिलेबस कंप्लीट हो चुका था और स्विक्स में हमारा लेसन सेवन तक हमने कर लिया था। आज हम लेसन एट की स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले हम लेसन एट के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो है आज रीड आउट करेंगे। सबसे पहले क्या है, कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। ये नाम किसका है, ये इस लेसन का नेम है। इसको हिंदी में बोलते हैं हाशियेकरण से निपटारा। हाशियेकरण क्या होता है, हाशियेकरण में होता है कि जो आदिवासी लोग होते हैं या जो शेड्यूल कास्ट लोग होते हैं उनके साथ क्या किया जाता है, इम्पार्शलिटी की जाती है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। तो इस हाशियेकरण से निपटा कैसे जाता है वो आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए मार्जिनलाइजेशन एंड स्ट्रगल, हाशियेकरण और संघर्ष। दो पावरलेस द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैव फोट, यद्यपि वो शक्तिहीन होते हैं, कौन जो मार्जिनलाइज्ड होते हैं वो, फिर भी वो लड़ते हैं, प्रोटेस्टेड संघर्ष करते हैं, विरोध करते हैं एंड स्ट्रगल और संघर्ष करते हैं अगेंस्ट बीइंग एक्सक्लूडेड और डोमिनेटेड बाय अदर। जब दूसरे उन पर अपना अधिकार जमाते हैं, उनके ऊपर अपना प्रभुत्व जमाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो उसका विरोध करते हैं। सेकेंड डिमांड्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, टुडे आदिवासीज दलित्स मुस्लिम्स वुमेन एंड अदर मार्जिनल ग्रुप्स ऑफ आवर कंट्री आर्ग्यू दैट दे पोजेस इक्वल राइट्स सिंपली बाय बीइंग सिटीजन्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री दैट मस्ट बी रिस्पेक्टेड। अब जो हाशियेकरण के जो ग्रुप हैं वो क्या डिमांड करते हैं, आज जो आदिवासी लोग हैं, जो दलित हैं, मुस्लिम्स हैं, महिलाएं हैं और दूसरे जो हाशियेकरण के शिकार जो ग्रुप हैं हमारे देश के अंदर, वो ये तर्क देते हैं कि उन्हें भी बराबर के अधिकार दिए गए हैं एक नागरिक होने के नाते, किसमें हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, और उनका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनका हमें आदर करना चाहिए। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स, अब आधारभूत जो अधिकार दिए गए हैं हमारी गवर्नमेंट ने वो क्या हैं।
इन द आर्टिकल 14 to 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री आर प्रोवाइडेड विद सिक्स फंडामेंटल राइट्स गिवन बिलो। अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक हमारे संविधान के अंदर नागरिकों को 6 मूलभूत अधिकार दिए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, राइट टू इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू रिलीजियन फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नोट्स दैट नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। अनुच्छेद 15 जो है हमारे संविधान का, वो क्या कहता है? वो कहता है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर और उसके जन्म के स्थान के आधार पर। ये सब क्या है? इक्वल है। संविधान के आगे या कानून के सामने सभी नागरिक एक समान हैं। आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबोलिस्ड। और जो अनुच्छेद 17 है, संविधान का अनुच्छेद 17 है, वो क्या कहता है कि छुआछात को नष्ट किया जाना चाहिए, छुआछात को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इन फैक्ट वास्तव में अनटचेबिलिटी इज अ पनिशेबल क्राइम नाउ। जो अब छुआछात है वो क्या है? वो एक दंडनीय अपराध है। नेक्स्ट है इंक्रीजमेंट टू सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फ्री और सब्सिडाइज हॉस्टल्स फॉर स्टूडेंट्स ऑफ दलित एंड आदिवासी कम्युनिटीज। सरकार दलितों और आदिवासी समुदायों के छात्रों के लिए फ्री हॉस्टल्स जो है प्रदान कर रही हैं। रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उन्हें शैक्षणिक संस्थानों में कोटा दिया जा रहा है, निरक्षण दिया जा रहा है। और गवर्नमेंट प्रोविजंस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वलिटी, जो गवर्नमेंट है वो क्या है? बराबर के अधिकार प्रदान कर रही है। रिलैक्सेशंस इन मिनिमम मार्क्स फॉर एडमिशंस, और एडमिशन के लिए भी उनको क्या है? कम मार्क्स के अंदर उनको एडमिशन दिए जा रहे हैं। द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो नीची जाति के लोग हैं या फिर जो आदिवासी लोग हैं, 1989 के तहत, एक्ट 1989 के तहत, दिस एक्ट वाज फ्रेम्ड इन 1989 इन रिस्पांस टू डिमांड मेड बाय दलित्स एंड अदर्स फॉर प्रोटेक्टिंग देम अगेंस्ट द इल ट्रीटमेंट ऑन ह्यूमिलेशन ऑफ पावरलेस कास्ट। जो ये एक्ट बनाया गया था, शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट 1989, इसके अंदर क्या था कि जो दलितों और दूसरे लोगों के लिए जिनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, अमानवता का व्यवहार किया जाता था, जो पावरलेस कास्ट्स थी, उनके लिए क्या है? डिमांड की जा रही है कि उनको भी क्या है? बराबर के अधिकार दिए जाएं। द स्कर्ज ऑफ मैनुअल स्क्वेंजिंग, इसके अंदर क्या था? मैनुअल स्क्वेंजिंग रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ रिमूविंग ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट एक्सक्रीटा यूजिंग ब्रूम्स, टिन प्लेट्स एंड बास्केट्स। और इसके अंदर क्या था कि मानव और जानवरों का कूड़ा कचरा उठाने के लिए झाड़ू का, टीन की प्लेट्स का और बास्केट्स का प्रयोग किया जाता था। मतलब क्या था कि जो ये लोग थे नीची जाति के, उनसे ऐसे काम करवाए जाते थे। कैरिंग द फिल्थ ऑन हेड, और सिर के ऊपर जो है गंदा कूड़ा कचरा उठाया जाता था। मैनी पीपल डिस्पोज ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट एक्सक्रीटा बाय कैरिंग दिस फिल्थ ऑन देयर हेड्स। और जो मानव और पशुओं का जो वेस्ट था, मलमूत्र था, वो लोग क्या करते थे? सिर पर ढोकर क्या है लेकर जाते थे। आदिवासीज एंड द 1989 एक्ट,
अब आदिवासी और 1989 का एक्ट क्या था? आदिवासी एक्टिविस्ट रेफर टू इट टू डिफेंड देयर राइट्स टू ऑक्यूपाई लैंड दैट वाज ट्रेडिशनली देयर। इस एक्ट के अंदर आदिवासी क्या डिमांड करते थे कि उनकी जो जमीन है, जिन पर उनका परंपरागत अधिकार है, वो उन्हें दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता को समाप्त किया जाना। दिस ट्रेडिशन ऑफ कंसिडर्ड ए मैन अनटचेबल हैज़ बीन एबोलिश्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इस एक्ट के तहत क्या था, इसमें डिमांड की गई थी कि भारत के संविधान के अंदर एक आदमी को अछूत ना समझा जाए। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इतने आपने ये लेसन खुद रीड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, बाय, हैव ए नाइस डे।